क्या अब हिंदू विवाह में कन्यादान जरूरी नहीं? क्या अब शादियों में नहीं होगी कन्यादान की रस्म? क्या अब शादियों में कन्यादान की रस्म नहीं हुआ करेगी? क्या बरसों से चली आ रही कन्यादान की परंपरा अब खत्म हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कन्यादान को लेकर एक ऐसी बात कही जो काफी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ी बात कही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह संपन्न कराने के लिए कन्यादान जरूरी नहीं है, जबकि शादियों में 7 फेरे जरूरी हैं। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आशुतोष यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल 7 फेरे ही विवाह के लिए जरूरी होते हैं, जबकि कन्यादान जरूरी नहीं होता। दरअसल हाईकोर्ट ने एक शख्स आशुतोष यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। आशुतोष यादव ने याचिका में अपने ससुराल वालों के लिए कहा था कि उनकी शादी हुई लेकिन कन्यादान नहीं हुआ, जिस मामले को लेकर विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन कोर्ट में इस मामले को लेकर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक सिर्फ 7 फेरे शादियों में जरूरी होते हैं, कन्यादान जरूरी नहीं होता। और इसके लिए हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला दिया। दरअसल 1955 के सेक्शन 7 के मुताबिक किसी भी हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए 7 फेरे जरूरी हैं। हिंदू विवाह में विवाह के दौरान जैसे ही 7 फेरों की रस्म पूरी होती है वैसे ही विवाह वैध हो जाता है। जब विवाह के दौरान युवक और युवती अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं और वचन से एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, तब 1955 के सेक्शन 7 के मुताबिक विवाह पूरा हो जाता है, यानी शादी पूरी हो जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में विवाह के समापन के लिए कन्यादान की रस्म का जिक्र नहीं है। खैर, ये तो बात हुई कोर्ट की कि आखिर कोर्ट क्या कहता है, लेकिन शादियों में हिंदू विवाह में कन्यादान की परंपरा हमेशा से रही है। दरअसल हिंदू विवाह में कन्यादान का महत्व वैदिक युग से रहा है, जिसमें दूल्हे को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि दुल्हन को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कन्यादान संस्कार दुल्हन के परिवार की ओर से किया जाता है, जिसमें आमतौर पर उसके माता पिता अपनी बेटी को मंत्रोच्चार के लिए अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हे को अर्पित करते हैं। कन्यादान का अर्थ कन्या का दान नहीं बल्कि अदान होता है। अदान का मतलब है लेना या ग्रहण करना। दरअसल हिंदू विवाह के दौरान कन्या का आदान करते हुए पिता वर से कहता है कि अब तक मैंने अपनी कन्या का पालन पोषण किया और उसकी जिम्मेदारी निभाई, आज से मैं अपनी कन्या आपको सौंपता हूँ। इसके बाद वर पिता को कन्या की जिम्मेदारी निभाने का वचन देता है। इस तरह वर कन्या के प्रति पिता के दायित्व को ग्रहण कर लेता है। इसी रस्म को कन्यादान कहा जाता है। कन्यादान होने तक दुल्हन के माता पिता उपवास रखते हैं। वहीं पौराणिक कथाओं की माने तो दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का कन्यादान किया था। ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी कन्याओं को चंद्रमा को सौंपा था, ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़ सके और संस्कृति का विकास हो सके, जिसे कन्यादान कहा गया। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूरे विधि विधान के साथ कन्या के माता पिता कन्यादान करते हैं तो इसमें उसके परिवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिलहाल कन्यादान का रिवाज उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त है। वहां पर कन्या की हथेली को एक कलश के ऊपर रखा जाता है और फिर वधू की हथेली पर वर अपना हाथ रखता है। इसके बाद उस पर पुष्प, गंगा जल और पान के पत्ते रखकर मंत्र पढ़े जाते हैं। फिर पवित्र वस्त्र से वर वधू का गठबंधन किया जाता है। इसके बाद 7 फेरों की रस्म होती है, जिसके बाद कन्यादान की रस्म पूरी की जाती है। खैर, अब तक तो ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कन्यादान को शामिल ही नहीं किया गया है, और ये हिंदू मैरिज एक्ट का हिस्सा ही नहीं है, जो काफी हैरान कर देने वाला है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।